नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं डॉक्टर राजीव गुप्ता, कैंसर स्पेशलिस्ट अमनदीप मेडिसिटी, थोड़े रूबरू हाँ। और आज एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मैं कुछ डिस्कस करना चाहना। कैंसर स्पेशलिस्ट तो हाँ ही नाले, इसलिए करोना दा महामारी दा दौर है और असी हर पासे देख रहे हैं कि करोना की वजह नाल साड़ी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई है। मतलब बहुत सारा डेथ्स हुई हैं और कुछ ऐसे अनछुए टॉपिक्स ने या अनछुए आस्पेक्ट्स ने कैंसर पेशेंट्स दे कि करोना दे प्रेजेंस दे विच की करिए। इनू मैं दो हिस्से डिवाइड करना चाहूँगा। पहले तो कैंसर जिहड़े पेशेंट्स ने वो करोना दे विच की करन। ये तो है नहीं कि करोना महामारी दे विच अगर कैंसर किसी नू होना बंद हो गया या उहदा इंसीडेंस घट गया या उहदी ट्रीटमेंट ते कोई फर्क पै जाना करोना दी प्रेजेंस नाल। और दूजा जिहड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिहड़े जिहदे बारे मैनू लोग हर बार पुछते हैं कि वैक्सीनेशन का की करिए। चलो एक तो बहुत अच्छी खबर है या अच्छी गल है साढ़े वास्ते कि साड़ी इंडिया दे विच ही वैक्सीन डेवलप हुई और इंडिजीनियसली लोगों नू लग भी रही है गवर्नमेंट की मदद नाल। पहला टॉपिक जिहड़ा मैं टच करना चाहना वो हैगा कैंसर पेशेंट्स ते करोना दे विच। पहले तो अगर तो पॉसीबल है एज ए डॉक्टर मैं देखना कि अगर कैंसर का डायग्नोसिस बने दा है और सॉलिड ट्यूमर है, मतलब ब्रेस्ट का है, लंग का हैगा, ब्लड कैंसर नहीं, तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर पेशेंट को करोना नहीं हैगा तो उसका मैं ट्रीटमेंट करा दोनों, मतलब दोनों तरह के कैंसर का। बट अगर अनफॉर्चुनेटली वाइल ऑन ट्रीटमेंट अगर ट्रीटमेंट होंदे 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 अगर कितने किसी को करोना हो जाए तो मैं ट्रीटमेंट रोकना पैना है, स्पेशली फॉर ब्लड कैंसर, क्योंकि उदे विच इम्यूनिटी बहुत थले जाएगी और बॉडी की फाइटिंग पावर भी नहीं हैगी और करोना जड़ा है वायरस वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो मैं पहले करोना का इलाज की तरफ ध्यान देना चाहिए था, ब्लड कैंसर की तरफ बाद। सॉलिड ट्यूमर के थोड़ा डिफरेंट हैगा। सॉलिड ट्यूमर के असी सिर्फ उस केस के ज़्यादा कोशिश रहेंगे जिद काउंट बहुत ज़्यादा फॉल करना है, जिद न्यूट्रोपीनिया जिन्होंने असं कहने न्यूट्रोफिल सैल्स का थले जाना, इट इज़ एंटीसिपेटेड मोर दैन 20%। उस केस के सू थोड़ा कोशिश रहना पैंता है क्योंकि स्टडीज़ आई हैं US तो वो कहते पे न कि एज सच करोना की वजह नाल जिहड़ी मोर्टैलिटी है या जिहड़ी मृत्यु है वो कैंसर पेशेंट्स से ज़्यादा है विजाविज जनरल पापूलेशन। पहली गल। दूसरी गल, कैंसर दे विच भी ब्लड कैंसर रिलेटेड जिहड़े लोगों को बीमारियां उहदे च कैंसर मृत्यु दर ज़्यादा है विजाविज सॉलिड ट्यूमरस। सो ये दो आस्पेक्ट्स जिहड़े टच करन। कुछ मॉडिफिकेशन ट्रीटमेंट की कर सकते हैं कि अगर एज ए डॉक्टर मैं चाहवा कि अगर IV देने की बजाए मैं ओरल दवाइयाँ दे सकाँ ताकि संपर्क हॉस्पिटल से पेशेंट दाना कट जाए, क्योंकि अगर हॉस्पिटल आएगा लोगों के संपर्क आएगा तो करोना की इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा है। दूजा, अगर ये मुमकिन हैगा कि मैं मरीज़ को OPD ज़्यादा फ्रीकुएंटली ना बुलावा या जिहड़ा भी उनका डॉक्टर है वो कोशिश करे तो वीडियो कॉल नाल या टेलीकॉन्फ्रेंसिंग नाल उनके नाल गल कर सके, सो दैट अगर इमीजिएटली नहीं रिक्वायर्ड तो असी टेलीफोनिकली गल करके उस चीज़ का समाधान कर सकी है। बट कम वट में अगर मरीज़ को कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी इन्फेक्शन आती है या कोई भी ऐसा हेल्थ सिम्टम आता है जिदे विच उन्हें हॉस्पिटलाइजेशन करने की जरूरत है तो वह प्रायोरिटी है, पेशेंट को इमीजिएटली एमरजेंसी अपना जाके दिखाना चाहिए। और एक प्रोटोकॉल एज ए हॉस्पिटल असी भी बनाया कि एनी पेशेंट या कोई भी मरीज़ जिहड़ा इनडोर एडमिट होएगा वो करोना का टेस्ट करवाएगा। अच्छा, हूँ ये भी बड़ी बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी हैगी कि अगर फीवर किसी पेशेंट को आ जाए, खंघ होने लग पवे तो उसी वेले करोना सस्पेक्ट करना या नहीं करना। ये सिम्टम्स तो कैंसर से भी हो सकते हैं कि कोई मरीज़ है जिन्हों कीमो चलती पई है उसे बुखार भी हो सकता है क्योंकि काउंट्स डिगन गए। अगर कितने लंग कैंसर का पेशेंट हैगा या उन्होंने कोई फरेंजाइटिस होया या कीमो की वजह म्यूकोसाइटिस होया तो गला भी खराब हो सकता है। उस केस के अगर पेशेंट का फीवर 4 दिन तो ज़्यादा हैगा तो RT-PCR तो जरूर कराओ और RT-PCR ही डिसाइड करेगा कि पेशेंट जड़ा हैगा वो कैंसर का ट्रीटमेंट लेगा या करोना का ट्रीटमेंट लेगा। और अगर फीवर पॉजिटिविटी के बाद भी परसिस्ट करता है तो उसके बाद CT चेस्ट HRCT तो जरूर कराओ ये देखने वास्ते कि उन्होंने चेस्ट लीजन से नहीं है। बट कम वट में अगर कैंसर के ट्रीटमेंट के दौरान किसी करोना हो जाता है तो एक तरह का ओमिनियस साइन है, मतलब ये मरीज़ के डिटोरेट होने के चांसिज ज़्यादा हैं विजाविज नॉन कैंसरस पेशेंट्स। तो इस चीज़ का असं ध्यान रखना है। और दूजा जो आस्पैक्ट हैगा वैक्सीनेशन का, वैक्सीनेशन वास्ते असं इनू फिर इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि अगर किसी का कैंसर डिटेक्ट होएगा और उसका ट्रीटमेंट कीमो का चलता पाया
कीमोथेरेपी का, तो उन्होंने वैक्सीनेशन अवॉइड करनी चाहिए है टिल कीमोथेरेपी एंड्स, और दो हफ्ते का ब्रीदर लवे, दो हफ्ते का वेट करे, दो तो चार हफ्ते का वेट करे, उसके बाद वैक्सीनेशन की डोज लवे। ये पहला आस्पैक्ट। लेकिन कोई कैंसर का पेशेंट जिदा कीमो का इलाज या रेडिएशन का इलाज खत्म हो चुके है, वो हारमोन पर है, बायोलॉजिक्स पर है, फॉर एग्जाम्पल जिसे असं कहने इम्यूनोथेरेपी पर है, जिन्होंने इम्यूनिटी इंपेयर नहीं करनी, वो उन केस के वैक्सीनेशन लै सकते हैं। हूँ वैक्सीनेशन के भी कि वैक्सीन, दो तरह की वैक्सीन सूँ मिली है, एक तो लाइव वायरस की मिली है विच इज़ कोविशील्ड, एंड अदर इज़ ए डेड वायरस विच इज़ कोवैक्सीन। स्पुटनिक भी आई है। आउट ऑफ टू मैं रिकमेंड कराँगा कि लाइव वायरस ना लिया जाए, कोवैक्सीन ली जाए या स्पुटनिक ली जाए, बिकॉज पेशेंट की इम्यूनिटी जी है, पेशेंट का जो इम्यून रिस्पोंस है, उनू अपने बेसलाइन पर आने बहुत टाइम लगेगा, कई महीने लग जाते हैं। आउट ऑफ टू दैन इट विल बी सेफर टू गैट ए डेड वायरस वैक्सीन। ये मेरी जड़ी राय हैगी कैंसर पेशेंट्स की, जिन्हों का ट्रीटमेंट खत्म हो चुके है या जड़े ट्रीटमेंट लेंदे पे लेकिन कीमोथेरेपी का या रेडियोथेरेपी का एक्टिव ट्रीटमेंट नहीं लेंदे पे। और सपोजिंगली कि किसी का हले कैंसर डिटेक्ट होया और ट्रीटमेंट की शुरुआत करनी है, एज ए डॉक्टर मैनू पेशेंट ना बह के गल करनी पैनी है कि क्या इमीजिएटली तुहानू ट्रीटमेंट की जरूरत है या मैं तुहाडा ट्रीटमेंट डिले कर सकना। अगर ये पॉसीबल है कि मैं तुहाडा एडजुवेंट कीमो या कीमोथेरेपी डिले कर सकना चार हफ्ते तक या छः हफ्ते तक, तो मैं वैक्सीनेशन पहले करवा लूँ, या कोशिश मेरी ये रहनी चाहिए ट्रीटमेंट खत्म होते चार हफ्ते बाद उनकी वैक्सीनेशन करवा लूँ, विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू। तो मेरी ये सलाह रहेगी करोना के एरा दे विच कैंसर पेशेंट्स वास्ते कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू डील। तुहानू ये दो आस्पैक्ट्स किस तरह डील करना है, पहला कि वायलॉन ट्रीटमेंट अगर करोना इन्फेक्शन हो जाती है, तो या अगर कोरोना इन्फेक्शन नहीं होती तो वैक्सीनेशन किस तरह करवानी है। आई थिंक मेरी ये सलाह या मेरी ये रिकमेंडेशन थोड़े काम आन गई। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।